हे गाइस नमस्ते, कैम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे पहली फुल्ली बैटरी वाली मोटरसाइकिल के बारे में। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिवॉल्ट के बारे में। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि रिवॉल्ट ये अपनी इंडियन कंपनी है जो कि बैटरी वाली मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन करती है। तो अभी फिलहाल मार्केट में उसके दो मॉडल अवेलेबल है, RV 300 और RV 400। तो ये दोनों मॉडल में क्या क्या डिफरेंस है, क्या प्राइसिंग है दोनों मॉडल की, ऑन रोड प्राइसिंग क्या है, ये मॉडल आप बहुत ही आसानी से परचेस कर सकते हो, कुछ भी डाउन पेमेंट क्या है, लोन वगैरह क्या है, तो सभी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अभी चलते हैं रिवॉल्ट के शोरूम में और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है RV 300 और RV 400 में, क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों मॉडल्स में, दोनों मॉडल का प्राइसिंग क्या है, तो सभी के बारे में हम लोग शोरूम में चल के बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं रिवॉल्ट के शोरूम में। तो हम लोग रिवॉल्ट शोरूम जाने के लिए निकल चुके हैं। शोरूम मेरी ऑफिस से करीबन 2 या 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे दोपहर में भी अहमदाबाद की सड़कों पे कितना ट्रैफिक है, आप ये देख सकते हो कि। तो अभी चहल पहल बहुत ही बढ़ गई है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेट्रो का भी बहुत काम चल रहा है, ये बहुत ही बड़ा लफड़ा है, करीबन 3 या 4 साल से ये काम चल रहा है, उसकी वजह से भी बहुत ट्रैफिक यहाँ पर रहता है। अरे बातों बातों में तो हम लोग रिवॉल्ट के शोरूम पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए अभी चलते हैं शोरूम के अंदर और बाइक को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं यहाँ रिवॉल्ट के शोरूम में पहुँच चुका हूँ। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे पूरे बाइक को डिसमेंटल कंडीशन में पूरा सजा के रखा हुआ है, कौन सा हेडलैम्प इसमें यूज़ हुआ है, कौन सा फेंडर, कौन से टायर्स यूज़ हुए इसमें, कौन सी चेसिस यूज़ हुई है, कौन सी बैटरी इसमें यूज़ हुई है, सभी तरह का डिटेलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जब आप यहाँ पर शोरूम पर आते हो। तो बहुत ही अच्छा ये इंटीरियर लग रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम रिवॉल्ट की RV 400 मॉडल के बारे में बात करेंगे और साथ में देखेंगे भी कि क्या क्या फीचर्स है क्या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइक के साइड लुक की। तो साइड लुक से आपको बाइक बहुत ही कॉम्पैक्ट दिखेगी, बहुत ही शॉर्ट लेंथ है इस बाइक का और आपको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि ये बाइक बैटरी ऑपरेटेड, आपको ऐसा ही लगेगा कि ये कोई पेट्रोल से चलती हुई बहुत ही बढ़िया बाइक है। नहीं, ये बाइक तो बहुत ही अच्छी है लेकिन ये बैटरी ऑपरेटेड बाइक है। तो लुक वाइज बहुत ही परफेक्ट है ये बाइक। कैरिंग कैपेसिटी 2 पर्सन का है और मैक्सिमम वेट आप 150 kg तक आप कैरी कर सकते हो इस बाइक पे। बाइक का लुक तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर फ्रंट लुक की बात करें तो आगे से बाइक बहुत ही माचो दिखेगी आपको। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसका जो भी ये हेडलैम्प है वो रिवॉल्ट का जो लोगो है उससे इंस्पायर होके पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि इसमें जो DRLs का जो डिज़ाइन है वो जो रिवॉल्ट का लोगो का डिज़ाइन है उसी तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। और जो सेंटर में आपको जो ये LED हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे और साथ में आपको प्रोजेक्टर भी देखने को मिलेंगे और साइड में जो दोनों तरफ जो भी साइड इंडिकेशन दिया हुआ है वो भी LED है। तो अगर बाइक को पीछे से देखते हैं तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, जो भी टेल लैम्प है बहुत ही शार्प है, वो जो टेल लैम्प का डिज़ाइन है वो भी रिवॉल्ट के लोगों के डिज़ाइन पे से ही बनाया हुआ है। तो ये जो टेल लैम्प्स है और साइड इंडिकेशन जैसे कि मैंने बताया वो सभी चीज़ इसमें आपको LED ही मिलने वाली है। तो ये रिवॉल्ट RV 400 का दूसरा रेड कलर है, जो पहले मैं आपको दिखा रहा तो वो ब्लैक कलर है। तो कंपनी आपको RV 400 में 2 कलर ऑफ़र करती है, एक ब्लैक और एक रेड कलर। तो ये रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो भी बनाया हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक दे रहा है बाइक को। तो ये जो RV 400 मॉडल है वो बेल्ट ड्रिवन मॉडल है,
तो बेल्ट ड्राइव की वजह से इसमें स्पीड और टॉर्क दोनों ही ज़्यादा है RV 300 से। तो जो ये RV 300 है वो बेल्ट ड्रिवन नहीं है। इसमें जो आपको दिख रहा होगा कि जो व्हील का पूरा जो सेंटर में आपको जो ये बड़ा काला कलर का दिख रहा है उसके अंदर ही मोटर फिक्स की गई है, मतलब कि ये बेल्ट ड्राइव नहीं है, ये डायरेक्ट ड्रिवन है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस बाइक में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है, तो इसमें आप बहुत सारी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे कि स्पीड, बैटरी कितना परसेंटेज है, कौन से मोड पे हमारा बाइक चल रहा है और टेम्परेचर। तो अगर हैंडल बार की अगर मैं बात करूँ तो आपको राइट हैंड साइड में बैटरी किल स्विच मिलेगा एक, और एक ऑप्शन है नीचे बैटरी किल स्विच के नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोड सिलेक्शन का। तो जो ये 1, 2, 3 जो लिखा हुआ है उससे आप अपना मोड चेंज कर सकते हो। तो जो सबसे पहला मोड रहेगा वो होगा आपका इको मोड, और जो 2 नंबर है उसमें आपको नॉर्मल मोड, और जो 3 नंबर है वो आपका स्पोर्ट्स मोड रहेगा। तो ये जो मोड का बटन दिया हुआ है उसके नीचे ही आपको एक साउंड का बटन दिया हुआ है, तो उससे आप साउंड को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हैंडल बार पे आपको एक हाई बीम और लो बीम करने के लिए एक स्विच मिलेगा, एक स्विच आपको साइड लाइट इंडिकेशन ऑन ऑफ करने के लिए मिलेगा, और उसके नीचे आपको एक हॉर्न बजाने के लिए एक स्विच मिलेगा। तो अभी आ जाते हैं इस बाइक की सबसे बड़ी चीज़ कि इसका बैटरी कैसा है, कितना चलता है, कितना चार्जिंग टाइम है, तो सभी के बारे में मैं बात करूँगा। तो जो हमारा पेट्रोल टैंक का डिज़ाइन होता है उस ऐसा ही डिज़ाइन दिया हुआ है, लेकिन ये ओपनेबल है, आप इसको ओपन कर सकते हो और यहीं से बैटरी को भी निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि अगर आप फ्लैट्स वगैरह में रहते हो जहाँ पे 15 वोल्ट का चार्जिंग पॉट नहीं अवेलेबल है, तो आप ये बैटरी को बड़ी आराम से यहाँ से निकाल के आप अपने घर पे ले जाकर भी चार्ज कर सकते हो। अगर आपके पास चार्जिंग पॉट अवेलेबल है तो आप सीधा डायरेक्ट बाइक में लगा कर भी चार्जिंग कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी बहुत ही अच्छी दी हुई है कंपनी ने। तो जो भी पुराने इंडियन मार्केट में जो भी बैटरी वाली स्कूटर्स वगैरह अवेलेबल थी उसमें ये ऑप्शन नहीं था, आप बैटरी नहीं निकाल सकते थे, तो ये रिवॉल्ट वालों ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। तो हमारा सबसे बड़ा मेन टॉपिक यही रहता है, अगर हम कुछ भी बैटरी वाली चीज़ लेते हैं तो कि उसका बैटरी लाइफ कितना है और वो कितने टाइम पे हमको चार्जिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो RV 400 के बारे में, तो RV 400 में आपको 3.24 किलोवाट का बैटरी मिलेगा, जिसका चार्जिंग टाइम 0 to 100 4.5 से 5 घंटे का है, और उसका चार्जिंग में करीबन आपको 4 से 5 यूनिट कंजप्शन होगा आपका इसमें। तो 4 से 5 यूनिट कंजप्शन हुआ तो मतलब कि अगर आप गिनते हो, अगर 7.5-8 रुपये पर यूनिट गिनते हो, तो 4 यूनिट हुआ तो 8, मतलब कि आपको 30 रुपीज़ में पूरा फुल बैटरी चार्ज हो जाएगा। तो उसका चार्जिंग रेंज क्या है, तो अगर हम लोग अगर इसमें तीन मोड अवेलेबल है, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड। तो अगर आप इको मोड में चलाते हो आरवी 400 को, तो उसमें आपका टॉप स्पीड 45 का रहेगा, जिसमें आपको 150 किलोमीटर तक आप राइड कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल मोड पे बाइक चलाते हो तो उसमें आपका टॉप स्पीड रहेगा 65 का, इसमें आप 100 किलोमीटर कवर कर सकते हो। और तीसरा हमारा स्पोर्ट्स मोड है, जिसमें आप 85 किलोमीटर तक आपका टॉप स्पीड रहेगा, उसमें आप 80 किलोमीटर कवर कर सकते हो। तो आप लोग समझिए कि ये पेट्रोल से तो बहुत ही सस्ता पड़ने वाला है, लेकिन ये मोड्स वगैरह भी होते हैं। अगर आप सिटी राइड करते हो तो उसमें आपको इको या नॉर्मल मोड में राइड करना चाहिए, और अगर कभी कभार हाईवे और सिटी मिक्स होता है तभी आप स्पोर्ट्स मोड यूज़ कर सकते हो उसमें। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, अगर आप थोड़ा ज़्यादा पावर चाहते हो तो आपको इसमें मिल सकता है। तो RV 400 का टॉप स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर का है, मतलब कि 85 आपका टॉप स्पीड रहेगा। तो उसी तरह अगर हम RV 300 की अगर मैं बात करूँ, तो RV 300 में आपको 2.7 किलोवाट का बैटरी मिलेगा, तो वो RV 400 से थोड़ा छोटा बैटरी है इसमें। तो RV 300 का अगर हम लोग इको मोड में टॉप स्पीड गिने तो आपको इसमें 25 का ही इको मोड में आपको मिलेगा, तो उससे आप 180 किलोमीटर तक चला सकते हो। लेकिन
इको मोड में आपको 25 का स्पीड मिलेगा टॉप स्पीड, और 180 किलोमीटर तक आप इसको राइड कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल मोड पे करते हो तो आपको 45 का टॉप स्पीड रहेगा और वो आप 110 किलोमीटर तक बाइक राइड कर सकते हो। और अगर आप RV 300 में स्पोर्ट्स मोड भी यूज़ करते हो तो आप में उसमें आपको ओनली 65 का ही टॉप स्पीड मिलेगा, तो उसमें आप 80 किलोमीटर्स कवर कर सकते हो। तो आप समझ गए होगे कि RV 300 का टॉप स्पीड 65 है और RV 400 का टॉप स्पीड 85 है। अगर सस्पेंशन की मैं बात करूँ तो आपको फ्रंट अपसाइड डाउन फोक्स मिलेंगे और रियर में आपको एडजस्टेबल मोनोसॉक्स मिलने वाले हैं। तो अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो आपको इसमें 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलने वाले, ट्यूबलेस टायर इसमें आपको कंपनी ऑफर कर रही है, और साथ में आपको इस बाइक में दोनों व्हील में डिस्क ब्रेक मिलने वाली है, जो डिस्क ब्रेक 240mm का है, दोनों रियर और फ्रंट में दोनों सेम साइज़ का है। तो इस बाइक में आपको कंपनी ABS तो ऑफ़र नहीं कर रही है, लेकिन जो भी ये कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है जो CBS कहता है वो आपको इसमें ज़रूर मिलने वाला है। तो अगर सबसे बड़ी और एक चीज़ होती है कि इसका प्राइसिंग क्या है, अगर नॉर्मल प्राइस रेंज में होगा तो हम ये परचेस कर सकते हैं और फिर चार्जिंग पे चला भी सकते हैं और वगैरह रहता है हमारा। तो जो ये RV 400 है उसका ऑन रोड प्राइस है, अगर आप कैश में बाइक लेते हो तो 1,26,000 के आसपास आपको ये पड़ेगा। इसमें सब कुछ आ गया, 4G कनेक्टिविटी जो 3 साल के लिए हमको मिलेगी वो भी आ गई, RTO, AMC, जो भी रोड टैक्स वगैरह चार्जेस होता है वो सब आ गया। तो आपको RV 400 1,26,000 में पड़ेगा। उसी तरह अगर RV 300 की अगर हम बात करें तो आपको RV 300 है वो आपको मिलेगा 1,03,000 में। तो RV 300 और RV 400 में करीबन 22,000-23,000 का फ़र्क है। और अगर आपको लोन पे चाहिए बाइक के तो आप बड़ी आराम से इसको ख़रीद सकते हो। RV 400 है उसमें आपको 3,999 का EMI आएगा। तो ये कुछ EMI और ये EMI 39 मंथ्स तक आपको पे करने हैं, तो वो EMI मिला के आपको वो बाइक 1,70,000 तक पड़ेगा। और जो ये RV 300 है वो तो उससे भी सस्ता है, आपको ओनली पर मंथ आपको 2,999 ही पे करने हैं वो 37 मंथ तक। तो उसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो आपको वो बाइक आपको 1,27,000 में पड़ेगा। मतलब कि अगर आप लोन लेते हो तो करीबन समझो ना आपको 3 साल का लोन हो गया है, तो 3 साल तक के लिए इतना कुछ करीबन 25,000 तक का आपका जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो है। तो ये भी अच्छी बात है, अगर आपको EMI पे लेना है तो वो भी अवेलेबल है। बड़ी आराम से आप ये बाइक को EMI पर ले सकते हो। और जो भी EMI का जो भी ये स्कीम है वो बहुत ही अच्छा है, आपको RTO का चार्जेस पे करना होता है और 2,999 RV 300 में, और कुछ भी डाउन पेमेंट वगैरह का कुछ भी स्कीम नहीं है। आप बहुत ही आराम से इस बाइक को EMI पे खरीद सकते हो। तो सबसे और एक हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि ये बैटरी की लाइफ क्या है। तो आपको कंपनी की तरफ से 8 साल तक का बैटरी पे वारंटी मिलेगा, 8 साल या तो फिर 1,25,000 किलोमीटर तक का। तो आप समझिए कि 8 साल में आपकी बैटरी को कुछ भी होता है, कुछ भी डैमेज या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो 8 साल में आप जितनी बार चाहो उतनी बार बैटरी को चेंज करवा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा है, बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने ये दे दी है। और पूरे बाइक की अगर मैं वारंटी की बात करूँ तो कुछ 5 साल तक का वारंटी कवर अप है इसमें। और ये बैटरी का बहुत ही अच्छा कंपनी ने दिया हुआ है कि आपको 8 साल तक बैटरी का वारंटी दिया हुआ है। 8 साल में तो पता नहीं बाइक का हालत भी क्या हो जाता है। तो मेरा सोचना तो ये है कि अगर आपको ज़्यादातर सिटी राइडिंग ही रहता है तो आप ये बाइक को ज़रूर एक बार कैलकुलेशन में लीजिएगा कि आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर अभी बैटरी पर ही है। क्योंकि पेट्रोल वगैरह के भाव आप देख रहे हो कि दिन भर दिन बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं। तो आप ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा लुक वाला बाइक है। वैसा नहीं है कि आप बहुत ही नॉर्मल हमारा यो बाइक्स वगैरह आते हैं वैसा लग रहा है, नहीं, आपको ये बहुत ही स्पोर्टी लुक वाला बाइक है। तो एक बार ज़रूर आपके नज़दीकी रिवॉल्ट के शोरूम की आप मुलाकात लीजिए, बाइक का टेस्ट ड्राइव लीजिए और समझिए कि क्या है क्या नहीं है, हमको परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि ऐसा एक बाइक ले लूँ, क्योंकि मेरा डेली का
करीबन 100 किलोमीटर का राइडिंग रहता है, तो लेकिन सिटी में ही है, तो सोच रहा हूँ कि मैं भी एक रिवॉल्ट ले लूँ। तो चलिए देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है रिवॉल्ट, क्योंकि मैंने अभी पिछले 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर दिया है, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो आज का मेरा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में वो बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले, और मेरा ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि मुझको आपका सपोर्ट मिलता रहे फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्बा खैर, टेक केयर।